गाइस वेलकम बैक अगेन विद अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आ गया हूँ बांसेरा पार्क, हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज का लेटर बी, बी फॉर बांसेरा पार्क, जो कि स्थित सराय काले खान निजामुद्दीन में। मेरे पीछे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये चांद बना हुआ आकार है जो कि डीडीए की प्रॉपर्टी है। पहला हमने आपको दिखाया ए से असीता पार्क, बी से बांसेरा पार्क, जो भी डीडीए के अंडर में ही आता है। डीडीए की अथॉरिटी इसे डेवलप करने में लगी हुई है और ये भी एक यमुना का प्लान है जो फ्लड प्लेन्स में से एक है। 10 प्रोजेक्ट्स है जिसमें से एक ये भी है। आज मैं इसी प्लेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो गेट नंबर 3 से आप एग्जिट लेकर डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। होने वाली है सुबह के 7 बजे से शाम के 8:30 बजे तक। इसमें लाइट शो भी मिलेगा आपको, जो कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक शुरू होता है। और उसके बाद आपको काफी प्रकार की झीलें भी देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे काफी सुकून भरा प्ले। और फिर चलते हैं, फिर आगे इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं गाइस। मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हो, ये है बांसेरा पार्क। बांसेरा पार्क जो कि सराय काले खान निजामुद्दीन में स्थित है। और ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करने के बाद ही आपका मेट्रो स्टेशन और 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन दोनों के दोनों पड़ जाते हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी सराय काले खान निजामुद्दीन है और रेलवे स्टेशन भी सराय काले खान निजामुद्दीन है। अंदर एंट्री करने के बाद आपको एक भी वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर दैट अगर आप फ्रेश वगैरह तो आप यहीं पे पहले ही हो लो, फ्रेश के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपको हमने दिखाया कि अभी एक झील थी और यहाँ पे देखो इस साइड फिर एक और झील है और उसके बगल में ही प्लांटिंग की गई है और वहाँ पे पानी वगैरह छिड़काव होता रहता है, अभी भी हो ही रहा है। तो गाइज ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। एडल्ट के चार्जेस है 50 रुपीज़ चार्जेस। जैसा कि आप लोगों को मैं टिकट दिखा दूँ, टिकट आप देख सकते हो 50 रुपीज़ चार्जेस है। चिल्ड्रेन और स्टूडेंट अप टू 10 ईयर्स के 0 चार्जेस हैं, नोट दे विल बी फ्री। ओके, तो यहाँ पे देखो पानी के प्याओ का काम चल रहा है और जो भी आपको अगर खाने वाने का सामान चाहिए तो आप बाहर से ही बाय करके अंदर पार्क के ला सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे पार्किंग की फ्री सुविधा है, मतलब पार्किंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको पार्किंग का कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे साइड साइड में अभी फ्लावर्स का काम काफ़ी चल चुका है, यहाँ पे फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लग चुके हैं और उस साइड भी लग रहे हैं और अभी ये डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ लोगों को काफ़ी कम नॉलेज है इस जगह के बारे में, तो जिसकी वजह से क्राउड नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अभी धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को, यहाँ पे क्राउड बढ़ता ही जाएगा। स्टोरी ऑफ बांसेरा, आप देख सकते हो कि स्टोरी ऑफ बांसेरा क्या रही होगी। इसमें आपको सारा का सारा दिख जाएगा, किस तरीके से चेंजेस आए, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ों को डेवलप किया, जो पहले थी उन चीज़ों को किस तरीके से किस प्रकार से बदला गया है। देखो आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे बैम्बूज़ के पेड़ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई बैम्बूज़ वगैरह से। यहाँ पे आपको चांद का वो दिख जाए, बैम्बूज़ के पेड़ वगैरह दिए जाएंगे। मोर देन 55,000 डिफरेंट फ्लावरिंग स्पेशल प्लांटेड टिल डेट, आज की डेट तक के 55,000 अलग अलग फ्लावर्स हैं। 2,00,000 नंबर ऑफ रिवरिंग ग्रासेस प्लांटेड अलॉन्ग यमुना, यू नो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। 4.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, आप देख सकते हो रिस्ट्रेशन। मतलब ये है कि जो डीडीए ने जितने ही पार्क बनाए ये सारे के सारे सुकून भरे प्लेसेस हैं और काफ़ी हिडन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। टॉप पेटियो किसेट, मून फ्लावर बेड, बैम्बो गार्डन, टूलिप गार्डन, बैम्बो सीटम, म्यूजिकल फाउंटेन, एलिफेंट फैमिली, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको आगे चल के। पहले हमारी यहाँ पे टिकट चेक करिए, यहाँ पे देखो म्यूजिकल फाउंटेन एट बांसेरा बाय श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अंकल इसमें हम झूल सकते हैं क्या, इस पर झूल सकते हैं क्या? अरे वाह विशाल यार, बढ़िया चीज़ है, थोड़े रिलैक्स। हाँ अरे बिल्कुल अंकल, अंकल कह रहे हैं पापी बच्चों के लिए, आप ही बच्चों के लिए। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका म्यूज़िक फाउंटेन है जो रात के टाइम लाइटनिंग शो होता है, वो म्यूज़िक के ऊपर जो लाइट और फाउंटेन वगैरह
वो करते हैं, मतलब जंप करते हैं, वो वाला फाउंटेन झील है, ये तीसरी झील है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर वो जो म्यूजिक बजता है उसके बाद फाउंटेन जंप मारता है, जो भी है वो है ये। उसके बाद चलते हैं हम टूलिप गार्डन में। तो गाइज ये है आपका टूलिप गार्डन, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको काफी वैरायटी के फूल, पेड़ पौधे, जो भी पौधे होते हैं फूलों के पौधे, वो सारे आपको देखने मिल जाएंगे। वो सारे के सारे यू शेप के हैं, आप देख सकते हो यू शेप, यू नो यू शेप के सारे के सारे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलरफुल आपको प्लांट मिल जाएंगे, फ्लावर्स जिसे कहते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टूलिप गार्डन है अपना जो कहलाता है, और ये सारे के सारे बैम्बूज के जो ये साइड में लगाए गए हैं, बैम्बूज के हैं सारे के सारे, लकड़ी के बैम्बू, ताकि बांसेरा का मतलब रिप्रेजेंट करता है, बैम्बू पार्क टाइप का थीम, तो उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। आप एक देख सकते हो ये जो सेटिंग वाला एरिया है, तो यहाँ पे इसको भी बैम्बू के टाइप में बनाया गया है। तो अब हम निकल चुके हैं टूलिप गार्डन से चांद की ओर, जो कि चांद यहाँ पे मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है, जैसे कि आप लोगों को दिख सकता है उस साइड, वो चांद में को हल्का सा दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिर, जैसे ही गाइज ये ट्रैक जैसे ही खत्म होता है हमारा चांद शुरू हो जाता है, मिलते हैं फिर वहीं पे। आप लोग देख सकते हो साइड में जो ट्रैक के साइड में क्या क्या लगाए गए हैं, ग्रीन ग्रास टाइप के, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो साइड साइड कॉर्नर में इन्होंने ये सारा लगा रखा है। और यहाँ पे आपका स्टैंडिंग एरिया एक और ये रहा, और आपका सिटिंग एरिया वो रहा, सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है देखने में। देखो गाइस विशाल यहाँ पे आ चुका है सिटिंग एरिया के अंदर अंदर, और मैं भी साथ में पधार चुका हूँ इस सिटिंग एरिया के अंदर। देखने में काफी अच्छा लुक आ रहा है, बकायदा यहाँ से सन एंड द चांद दोनों दिखाई देंगे आपको, यहाँ से आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, प्लस यहाँ पे उड़ता हुआ आपको हवाई जहाज भी दिखाई। घड़ी में टाइम देख सकते हो 6:30 होने वाले, और इस प्लेस पे देख रहे हो इस समय खाली पड़ा है पूरा का पूरा, यहाँ पे चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट है और खाली सुनसान। यमुना नदी हो रही, ब्रिज के क्रॉस करने के बाद यमुना नदी आती है, नदी के सटे में ये पार्क है, तो इससे फील किया जा सकता है कि कितना सुकून भरा प्लेस है ये। आप लोग देख सकते हो चांद की आकार की अट्रैक्शन वाला पॉइंट बना देगा, जो सेल्फी पॉइंट टाइप का हो चुका है, तो आप लोग भी इस पार्क को विजिट जरूर करें अगर आप भी सुकून चाहते हैं तो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सिल्वर का बना हुआ है, जैसे कि आपने सीता पार्क में देखा था मेरी यमुना का बना हुआ है, वो भी सिल्वर का, और ये भी सिल्वर के अट्रैक्शन पॉइंट बनाए गए हैं दोनों पार्कों में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, हम आगे जो भी है आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं क्या क्या इस पार्क में है। बस गाइस यहाँ पे मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके अंदर पार्क के अंदर पानी की सुविधा नहीं है और ना ही कुछ खाने की सुविधा है। पानी की बोतल हो सके तो बड़ी से बड़ी बोतल आप अपने साथ ले कैरी करके ला। यहाँ पे टिकट मिल रही थी, वहाँ पे एक प्याऊ बन रहा है, लेकिन उसे बनने में टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 दिन में बन जाएगा वो, बट फिर भी आप कैरी करना, क्योंकि काफ़ी पानी है जो काफ़ी हीट हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, पीने का मन नहीं करता। और खाने का सामान आप बाहर से कैरी करके अंदर ला सकते हो, खा सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखो इस वे पे अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या क्या प्राप्त होता है हमें। देखो टावर के टावर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को मैं एक और खास चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखिए अगर ऊपर कभी बारिश होती है तो यहाँ से पानी सारा का सारा डाउन होकर, यहाँ से फिर पूरा डाउन होकर पानी इस झील में चला जाएगा, तो ये सारा का सारा फ्लड को रोकने के लिए काम किया गया है। अगर बारिश मतलब जो पानी है सारा का सारा नीचे जाएगा, प्लांट्स वगैरह में जाएगा, वहाँ पर टूलिप जो गार्डन था वहाँ पे भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउन बनाया गया था, तो वहाँ का भी सारा पानी नीचे जाता। यहाँ तो आगे रास्ता बंद आ रहा है यार, यहाँ तो आगे रास्ता बंद हो गया, इसके आगे तो रास्ता ही नहीं है। देखते हैं गाइस कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। फिर वो जो सारे आदमी गए थे गए कहाँ थे, ऊपर तो गए नहीं, वो सारे बैम्बू के वो हैं जो पेड़ आप देख सकते हो, बैम्बू पेड़ है, बांस के, सारा बांस का पेड़ है यहाँ पे। शायद हमें नीचे से जाना पड़ेगा, शायद वहाँ से एक वे दिख रहा है मुझे, वहाँ से जाना पड़ेगा। चलते हैं फिर गाइस नीचे।
तो शायद हमें नीचे जाना पड़ेगा फिर, हम पहले स्पेक्स अपना पहन लेते हैं फिर चलते हैं नीचे, थोड़ा सा लुक आएगा। आ जा यहाँ पे, वे है एक, मैं डर रहा तू तो, इसको भी खींच लूंगा मैं जहाँ भी जाऊँगा। चलते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे मैं खुद। तो देखते हैं फिर आगे कौन सा प्लेस हमें कहाँ लेके जाता है। बाकी 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 मैन आपको एक ये ब्रिज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, अभी काम चल रहा है, बाकी कुछ ही दिनों में आपको ये ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो खुद रास्ता बना लिया, अभी तक ये ऑफ रोडिंग टाइप की चल रही है अभी हमारी, और ये शायद ये रेस्टोरेंट टाइप का बन रहा है, ये जो कैंटीन वगैरह का जो आपको मैंने बोर्ड में दिखाया था उसी टाइप का कैंटीन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस समय यहाँ पे ये छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे आपको पीने का पानी, चिप्स वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे खाने को मिल जाएंगी। काफ़ी प्यारी कैंटीन है। उसके बाद ये जो कैंटीन है, प्यारी कैंटीन है, 10 दिन पहले शुरू हुई है, मतलब जून में शुरू हुई है ये कैंटीन। और इसके बगल में आपको दिख जाए ये कैंटीन का काम जो चल रहा है इस समय, फिलहाल कैंटीन का काम चल रहा है। ये कैंटीन बड़ी कैंटीन है, ये 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो आपको अब बांसेरा पार्क में खाने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और चलते हैं फिर इसी व्लॉग में आगे, आगे देखते हैं जो जो दिखता है। ये देखिए एक मस्त सा बना रखा है लकड़ का, बिल्कुल बढ़िया वाला, मस्त वाला। इस कैंटीन का एड्रेस होने वाला है म्यूजिकल फाउंटेन से आगे चल के राउंड राइट हैंड पे आओगे तो आपको ये कैंटीन वगैरह दिख जाएगी, जो कि अभी काम चल रहा है। और बाकी आपको एक वहाँ पे जो मैंने आपको मिनी कैंटीन दिखाई थी वो भी मिल जाएगी, बिल्कुल चांद के ऑपोजिट एंड म्यूजिकल जो आपका फाउंटेन है उसके बिल्कुल इस साइड पे आपको ये कैंटीन देखने को मिल सकती है। भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे, देखिए बैम्बो ओसिस कैफ़े, बैम्बो ओसिस है ये आपका, तो काफ़ी अच्छा है, देखने को आपको मिल जाएगा। खाने पीने की सुविधा भी अब चालू होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बांसेरा नाम भी लिखा पड़ा है, इसको बिल्कुल अलग कर देता है इसका कलर, जो कि रात को फाउंटेन जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसमें लाइट जलती है तो शाम होते होते इसमें भी लाइट जल जाती है, उसके बाद इसकी जो चमक है एकदम से बढ़ जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ मूर्ति भी है, देखिए 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 गाइस, ये देखिए मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा स्वागत करने वाली। और यहाँ पे कुछ पुरानी कलाएँ, मतलब कुछ कलाएँ भी दिखाई गई हैं इनमें, आप देख सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट बांसेरा, और उसके साथ साथ आपको ये चार हाथी मिल जाएंगे, चार नहीं एक्चुअली पांच है ये, बस आपको ये पांच हाथी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और भी काम चला जा रहा है, जिसमें ये सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी सारा का सारा काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो चीज़ें कम्प्लीट होने के बाद आपको बाद में एक बार में दिख जाएंगे अच्छी खासी तरीके से, तो अभी इसे डेवलप होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, फिलहाल तो जितना है बहुत अच्छा है, बाकी और धीरे धीरे और अच्छा होने लग जाएगा। ये अभी फाउंटेन चालू हो चुका है लेकिन लाइटनिंग के बाद इसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है और खूबसूरत हो जाता है ये। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, जिसमें हम ए से लेके जेड तक के लेटर को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारी बारी थी लेटर बी की, तो बी से आता हमारा बांसेरा, तो आज हमने इस बांसेरा पार्क को पूरा एक्सप्लोर कर दिया है। अगर आप भी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी 8 से Z तक की सीरीज़ को आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेटर सी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।